नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट मनीष। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह से दो शॉट्स को आप प्रीमियर प्रो में कैसे मैच कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो क्लिप है और सेकंड ये है जिसका ओरिजिनल कलर ऐसा है, देखिए ओ जिसका ओरिजिनल कलर ऐसा है और मैंने जो मैच किया है तो फिर वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। देखिए तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि किस तरह से मैच करते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाली क्लिप को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस पे जो मैंने मैच किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया था। वो तो ये देखिए ऐसा अभी जो ओरिजिनल शॉट है वैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा फेडेड। अब हमें ये जो वीडियो क्लिप है लेफ्ट साइड इसके कलर थोड़े वार्म दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस वाली क्लिप को भी उससे मैच करना है। तो इस वाली वीडियो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड वीडियो क्लिप है इस पर रह के हम विंडो पर जाएंगे और यहाँ रेफरेंस मॉनिटर जो है इसको चेक करेंगे। तो देखिए रेफरेंस मॉनिटर आ गया है यहाँ पे, तो ये क्लिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम नेक्स्ट क्लिप पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ से ये बेसिक करेक्शन वाले टैब पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे इसके कलर थोड़े वार्म दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा येलो बढ़ाएंगे और यहाँ से थोड़ा ब्लैक बढ़ाएंगे ताकि इस क्लिप में कंट्रास्ट दिखाई देने लगे। थोड़ा यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा जो है कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर थोड़ी थोड़ी मैच होने लगी यहाँ पे। और हम क्या करेंगे इसके बाद जो है हम HSL सेकेंडरी पर जाएंगे और यहाँ से जो सेट कलर वाला आई ड्रॉपर है इस पर लेंगे और स्क्रीन का कलर चूज करेंगे यहाँ से। इसके बाद जो है इस पर टिक करेंगे तो ये ग्रे उस पर दिखाई देने लगेगा। तो हमें स्क्रीन सिलेक्ट करना है, तो अभी देखिए स्क्रीन सिलेक्ट है। अब हम यहाँ से ये ह्यू सैचुरेशन और ये जो है ल्यूमिनेंस के स्लाइडर को ड्रैग करके स्क्रीन का सिलेक्शन करेंगे। अभी तब हम और इसको सिलेक्शन और स्मूथ हो इसके लिए हम इसको डीमिनिमाइज थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको ब्लर कर देते हैं। देखिए अब हम यहाँ से ग्रे पर से टिक हटा देते हैं और यहाँ पे जो है इस पॉइंट को पकड़ेंगे और जो थोड़े येलो और रेड साइड ले जाएंगे और जो है यहाँ से थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे और ये थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ से कम कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा मजेंटा बढ़ा देंगे। अब हम इसको इफेक्ट को ऑफ करके देखते हैं। देखिए हमारी पहले क्लिप इस तरह की दिखाई दे रही थी, अभी काफ़ी बढ़िया मैच हो गई है। और अभी हम इसको जो है इफेक्ट को यहाँ से हटा देते हैं इफेक्ट कंट्रोल पर जाके, फिर इसको डिलीट कर देते हैं। और फिर से एक और दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि किस तरह से मैच कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से हम जो है कलर व्हील एंड मैच जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे और ये कंपेरिजन व्यू जो है इसको इस पर क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पे अप्लाई मैच पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों शॉट काफ़ी अच्छी तरह से मैच हो गए हैं और इसमें थोड़ी इनकमिंग है। तो फिर आप यहाँ से बेसिक करेक्शन से थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ा और मैच करना है तो आप यहाँ से जाइए, यहाँ से कलर लीजिए, इसका यहाँ से सिलेक्शन कीजिए यहाँ से थोड़ा डिमाइज, यहाँ से थोड़ा ब्लर और इसको हटा के फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा और फिर यहाँ से भी आप जो है
थोड़ा एडजस्ट कीजिए क्लिप को। तो दोनों क्लिप बढ़िया तरीके से मैच हो गई है दोस्तों। मेरा तो बड़ा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।